पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। रूटीन चेकअप, यू नो नॉर्मल, हर 3-4 महीने बाद करवाता रहता हूँ। अपॉइंटमेंट है मेरे पास, आज ही का है। वैसे अच्छा हुआ कि मैंने हॉस्पिटल में जॉब कर ली। अब कभी आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं भी हुआ ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट है, मैं उसको भी बहुत अच्छे से जानने लग गई हूँ, तो मैं आपके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले सकती हूँ और रिसेप्शनिस्ट से और नर्सेस से क्रॉस चेक करके ये भी बता सकती हूँ कि आपके डॉक्टर टाइम पर आ रहे हैं या नहीं, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। वैसे आज तो आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है ना? करेक्ट। नहीं नहीं, मतलब मुझे याद नहीं रहा कि कल का अपॉइंटमेंट है, मतलब आज लिए। अब ये गलती सिर्फ मेरे साथ में ही होती है और किसी के साथ में नहीं होती। चाय? चाय? आप प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पता नहीं कहाँ रहता हूँ आजकल। करण जी, हाँ जी, एक बात पूछूं? हाँ जी। आप प्रीता जी को पसंद करते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं मतलब वैसे ही पसंद करता हूँ, जैसे मतलब जैसे आप पसंद करते, बस वैसे ही। समझ गए। नॉर्मल नॉर्मल। ये लीजिए चाय। जल्दी जल्दी अब चाय जलानी थोड़ी थी, पकानी थी। नहीं मेरा मतलब कैसे बन गई थी जल्दी। अरे अरे संभाल के, चाय गरम है। चाय तो गरम ही पी जाती है ना, ठंडी करके क्या मजा आएगा चाय पीने का। ओ हाँ प्रीता जी, हॉस्पिटल से ना जल्दी आ जाइएगा, हमारी गली में महाशिवरात्रि की पूजा है। अरे महाशिवरात्रि की पूजा तो हमारे घर पे भी है। अच्छा प्रीता, तुम्हें आना है वहां पर। आई मीन टू से आप दोनों को आना है, प्लीज महाशिवरात्रि की पूजा में जरूर आना है। पूजा के लिए हम कैसे मना कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप ना ऐसे पूछे मत, क्योंकि पता नहीं मैं हॉस्पिटल से निकल पाऊंगी कि नहीं, या आप आओगे कि नहीं, क्योंकि आज तो मेरा हॉस्पिटल में दूसरा ही दिन है, तो मुझे टाइम पर जाना भी होगा और जल्दी भी नहीं निकल सकती। अच्छा ठीक है, फिर मैं जल्दी निकलती हूँ, अगर सब करना है तो टाइम से जॉब पर पहुँचना भी पड़ेगा ना। हाँ आप वो हाँ हाँ अरे मैं ही तो ड्रॉप कर। हाँ चल 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 आ जाओ प्लीज। ऐसे जरूरत नहीं। हे माता रानी, कितना प्यारा जोड़ा है, बस अब आप इनको ना जल्दी से मिला दो। दोनों को देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, और करण जी तो कितना ख्याल रखते हैं प्रीता जी का। अब आपने इन दोनों की जोड़ी बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी ना। बस माता रानी, कुछ ऐसा करो कि ये दोनों बस मिल जाएं। अब करण सर को देखा है मैं, वो मुझे कहीं नहीं मिले, मैंने छत पर भी देखा, वहां पर भी नहीं थे। हम लोग करण को ऐसे क्यों ढूंढ रहे हैं, हम उसे कॉल भी तो कर सकते हैं ना, वो खुद आ जाएगा। मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप ही करण को फोन कीजिए, मैं नहीं करूंगी। खामा खाकर मैंने फोन कर दिया और वो कोई ऐसी जगह हुआ जहां मैं नहीं चाहती वो हो, तो माँ बेटे के रिश्ते के बीच बहुत करवाहट हो जाएगी। आप फोन करके एक बार पूछ लीजिए ना कहाँ है वो। राखी मॉम, करण आपसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे आपको तकलीफ हो। कभी कभी प्यार भी इम्तिहान लेता है। पंडित जी आ गए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, बैठिए बैठिए बैठिए। गिरीश जी मैम, पंडित जी के लिए पानी ले आओ। जी मैम। हम बस महाशिवरात्रि की तैयारी कर रहे थे। मुहूर्त कब का निकला राखी पुत्र? और करीना सामग्री की लिस्ट बनाई है तूने, और लिस्ट में क्या क्या लिखा है ये तो बता। मेरी एक बात समझ में नहीं आती पंडित जी, सामग्री की लिस्ट मॉम क्यों बनाती है? आपको पता है ना क्या सामग्री चाहिए, आप क्यों नहीं खुद ऑर्गेनाइज कर देते? करीना बुआ आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, मेरी बात हो गई है पंडित जी से, सारी सामग्री मैंने बता दी है, मैं सब ऑर्गेनाइज कर दूंगी।
पंडित जी आप बस इतना बताइए कि पूजा के लिए सही दिशा कौन सी। आप मेरे साथ आइए, एक बार स्थान और दिशाएं देख लेते हैं। चल जी आइए। निधि कितना ख्याल रखती है इस घर का, हम सब का, बस एक करण को ही इसका ख्याल नहीं है। मैं इस महाशिवरात्रि पे करण को एहसास दिलाऊंगी कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ निधि है और निधि ही रहेगी। वो प्रीता को भूल जाए, प्रीता की जगह अब करण की जिंदगी में तो क्या इस घर में भी शायद कहीं नहीं रहेगी। वैसे आपको मुझे इतनी दूर तक लाने की जरूरत नहीं थी, मैं आराम से ऑटो में आ जाती। अरे आराम से तो इस गाड़ी में भी आ गई, क्या प्रॉब्लम है? मतलब एसी चल रहा है और ऐसा तो नहीं कहा ना कि मतलब मेरी जगह तुम गाड़ी चलाओ, तो कोई गाड़ी चलाने में कई बार अनकंफर्टेबल हो जाता है, और गाड़ी खराब भी नहीं हुई। ऐसा भी नहीं कहा कि भाई प्रीता उठो निकलो गाड़ी से बाहर, धक्के लगाओ। तो ये मतलब नहीं, मेरा मतलब कि आपने तकलीफ की जो आप मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आ गए। मेरा तो अब रोज का आना जाना है ना हॉस्पिटल। हाँ, तो मैं आराम से ऑटो से आ जाती, वो मतलब था मेरा। I know, I know. अरे हॉस्पिटल तो आ भी गया? हाँ। इतनी जल्दी? अमित जी तुम्हारे घर से बहुत ज्यादा पास नहीं है हॉस्पिटल? इतनी जल्दी मतलब इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? आई मीन कैसे आ गया? बहुत ज्यादा नजदीक है हॉस्पिटल। मतलब मैं इस वे में कह रहा हूँ कि बातों बातों में पता ही नहीं चला, अगर रोज ऐसे ही आ जाए तो। जी आई मीन आ गया, बिल्कुल सामने है हॉस्पिटल, बिल्कुल आ गया। हाँ। एक मिनट, आपने गाड़ी क्यों इतनी स्लो कर दी? अरे आपने उतरना ना, तो अब गाड़ी कहीं लगाऊंगा तभी तो तुम्हें अंदर तक छोड़ दूंगा ना फिर। हाँ आई मीन गाड़ी कहीं स्लो, पता नहीं स्लो हो क्यों रही है गाड़ी, में समझ में नहीं आ रहा एकदम से। मैं इसे स्लो नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जगह देख रहा हूँ, वहाँ पे तुम उतर जाना, मैं आगे चला जाऊंगा अपने ऑफिस। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। एक मिनट, थैंक यू आप मुझे यहाँ तक छोड़ने आ गए। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? ओके देन, बाय बाय। प्रीता अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।